रे, तेरे को लतेश भाई ने हीरे का अंगूठी दिया? डार्लिंग, ये सब मेरे ब्यूटी का जादू है। हेलो, कहाँ घूर घूर के देख रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, मुझे ऐसा लगा जैसे उनमें से किसी लड़की को मैंने कहीं देखा है। ओ, बार डांसर्स। लगता है तुम्हारी पुरानी आदत अभी गई नहीं है ना? कम ऑन यार अश्मा, प्लीज। अच्छा बाबा, अब नहीं देखता पक्का। इस थिएटर का तो धंधा ही चौपट है। आ साला, ये थिएटर में सिर्फ चार ही चलो। ए, पिक्चर चालू करना। अरे चलाता हूँ चलाता हूँ। वो फिल्म कितनी देर में शुरू होगी? बस अभी होने वाला है। टिकट? आज सुबह से मेरा बैड लक चल रहा है, टिकट शायद गुम हो गई है। अरे यार तुम लोग भी ना, छोड़ो, एक काम करो, तुम वहां जाके बैठो। थैंक यू। करिश्मा, जो आदमी जो था ना पीछे, उसके पास गन देखी मैंने। तू एड़ी हो गई क्या? इस लुक्का आदमी को देख के तुझे लगता है कि इसके पास गन होगा? तू पूरी तरह से एड़ी हो गई है। देखना पिक्चर, देख अभी चालू होएगा। प्रोजेक्शनिस्ट, नो नंबर 11, लाइन यस। ये सीन्स देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। इंटेंस मैन। मैं नहीं जानती थी रमेश कि तुम मुझसे इतना। तो मुझे फांसी पर भेजो। कैसे? अदालत में खड़े होकर सबके सामने ले पुनर्जन्म की कहानी सुना। अरे कहाँ जा रही है? अरे जरूरी फोन है, इंदौर से मेरी माँ का आया। तू पिक्चर देख, मैं अभी आती हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि तुम एक दो कौड़ी की आदमी शांत हो? दे रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वही सी हो कि सॉरी अश्मा, मत चारी। उनका खून नहीं बहना, सो व्हाई आरंट यू? अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर बंद करो। किसने दीपा को गोली मारी? किसने दीपा को गोली मारी? हाजी। अरे कौन सा पकड़ो इसे? रुको रुको। हाशमा तुम ठीक तो हो ना?
वो लड़की She's dead. केडी, बैड लक को हिंदी में क्या बोलते हैं? बदनसीबी से सवाल का जवाब मुझे पता नहीं। Oh, you also don't know. मिसेस बिलमोरिया, बैड लक को हिंदी में बदनसीबी कहते हैं। मिस्टर केडी, सर ब्रिजेश, वाटर प्योरिफायर सेल्समैन सर। देखो, हमको वाटर प्योरिफायर नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, मैं कुछ बेचने नहीं आया हूँ, मैं अपने आप को बचाने के लिए आया हूँ सर। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए, पिछले दो दिनों से पुलिस से बचकर भाग रहा हूँ सर, और आप ही मुझे बचा सकते हैं प्लीज। क्यों, पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी, क्या किया तुमने? बाल डांसर का कत्ल। नहीं सर, मैंने कत्ल नहीं किया है, मेरा बैड लक इतना खराब है कि मैं उस दिन उस थिएटर में था जिसमें कत्ल हुआ। वो कैसे मुझे ऐसे मुझे बैड लक विजेश नहीं कहते सर। मैं एक फैमिली वाला आदमी हूँ, एक बीवी 6 साल का बच्चा है मेरा सर, मैं और पार डांस नहीं सर, मुझे आज तक जिंदगी में कभी शराब कुछ हुआ तक नहीं है, मैंने कत्ल नहीं किया है सर, प्लीज 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 मुझे बचा लीजिए प्लीज सर, मुझे। अरे सर, काम ना पानी पियो, सर पानी। मैं कुछ भी करने जाता हूँ तो यही होता है सर, सर प्लीज सर। इट्स ओके ब्रिजेश, देखो सबसे पहले तुम्हें अपने आप को पुलिस के हवाले करना होगा, उसके बाद जो होगा मैं देख लूंगा। हाँ, इससे पहले कि मेरा बैड लक फिर से शुरू हो जाए, मैं अभी जाके। तो इसका मतलब हमारी इंफॉर्मेशन सही थी। पकड़ ये खुद तुम्हारे पास आ रहा था सरेंडर करने। हाँ केडी, अब तो इसके पकड़े जाने के बाद तुम ही कहोगे। Come on, दवे। Anyway, ले चलो इसको निको। सर, सर, प्लीज सर। इंस्पेक्टर, इसका बैग तो लेते जाओ। प्लीज सर, प्लीज सर। Don't worry, ब्रिजेश। हमारा आज का केस, एक बंद थिएटर, उसमें मौजूद 6 अजनबी, 2 बार में परफॉर्म करने वाली लड़कियां, 2 कॉलेज स्टूडेंट्स, 1 उस थिएटर का टिकट चेकर और 1 सेल्समैन। फिल्म के दौरान अंधेरे में अचानक एक गोली के चलने की आवाज और बा परफॉर्मर दीपा की मौत। उस समय उस थिएटर में इन 5 लोगों के सिवाय और कोई नहीं था। कत्ल के बाद 4 लोग वहीं पर थे, भागा तो सिर्फ 1। उसके बारे में हमें बताएंगे मेरे पहले विटनेस, बा परफॉर्मर करिश्मा। माय लॉर्ड, मैं और मेरी सहेली दीपा, हम दोनों साथ में थिएटर में बैठ के पिक्चर देख रहे थे, इतने में बाजू में आया इंसान और वहीं फिसल के गिर गया, और जब गिरा तो इसका बैग में से कुछ तो भी गिरा। क्या गिरा? एक गन गिरा। क्या वो गन तुमने खुद देखी? नहीं, मैं नहीं देखी, मेरी सहेली दीपा देखी। और देखते ही वो शॉक रह गई, वो मुझसे बोली, लेकिन मेरे को लगा ऐसे लुक्खा आदमी के पास गन कहाँ से होएगा, और मैं उससे कही कि तू चुप कर, एरी हो गई है, तेरा दिमाग खराब हो गया, चुप चाप तू पिक्चर देख, ऐसा लुक्खा इंसान के पास कभी गन हो सकता है क्या? और मैं उसके बातों को सीरियसली नहीं ली, अगर मैं उसके बातों को सीरियसली लेती और टिकट चेकर वाले को कंप्लेन करती ना, तो आज शायद मेरी बहन जैसी सहेली जिंदा होती। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन गन की थ्योरी को आगे बढ़ाए उससे पहले मैं खुद एडमिट करता हूं कि हाँ, मेरे मुवक्किल के बैग में गन थी। ऑर्डर। लेकिन योर ऑनर, वो गन नकली थी, टॉय गन, एक खिलौना थी जो ब्रिजेश ने अपने 6 साल के बेटे के लिए खरीदी थी। और मेरा बैड लक देखिए, उसी दिन जिस दिन वो खून हुआ, उसी दिन वो
वो गन मेरे बैग में होनी थी। ओ, तो गन नकली थी। खिलौना। कसम से मैडम जी। इंस्पेक्टर दबे, जब आपने ब्रिजेश पारिक को एडवोकेट केडी पाठक के ऑफिस से गिरफ्तार किया तो उनके पास से एक बैग भी बरामद हुआ था, क्या ये वही बैग है? जी। ब्रिजेश, क्या ये वही बैग है जिसे लेकर आप दो दिनों से पुलिस से भाग रहे थे? और ये वही गन जो आपने अपने बच्चे के लिए तोहफे में ली? जी, लग तो वही रही है। योर ऑनर, ब्रिजेश पारिक इस दुनिया के इकलौते बाप हैं जो अपने बेटे को तोहफे में एक असली गन दे रहे हैं। ये गन असली है, ये रही फोरेंसिक्स की रिपोर्ट। ये तो असली गन है। और रिपोर्ट ये भी कहती है ये वही गन है जिससे दीपा की हत्या हुई। यही नहीं, इस गन पर ब्रिजेश पारिक की उंगलियों के निशान हैं। ऑर्डर, ऑर्डर। नहीं योर ऑनर, ये गन मेरी नहीं है। मैंने तो नकली खरीदी थी। मेरी नहीं है। केडी सर, मैं नहीं जानता ये असली गन मेरे बैग में कैसे आई। मैंने कुछ नहीं किया है। सुनेगा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जेल नहीं जाना है केडी सर। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह उस थिएटर के टिकट चेकर माधव पुरोहित। सर, ये साहब सबसे आखिर में आए थे, मैंने देखा, टेंशन में थे। ऊपर से इन्होंने अपना टिकट भी गुम कर दिया था, लेकिन मैंने तरस खा के जाने दिया। मैंने कहा जिधर बैठना है बैठ जाओ। फिर सर एक गोली चली, बाकी सब वहीं थे, पर ये सब वहां से भाग गए। और तुमने क्या किया? मैं क्या करता, पीछा किया इनका, लेकिन मुझसे बच के निकल गए। थैंक यू माधव, आप जा सकते हैं। मैडम, एक बात बोलने का था। मैडम माफ कर दो प्लीज, गलती हो गया। वो एक्चुअली इन साहब को मैंने पकड़ लिया था। तो फिर ये बचे कैसे? वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। प्लीज भाई साहब, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे जाने दीजिए। मैं लालच में आ गया था साहब, गरीब आदमी के लिए 1,000 रुपए बहुत है, लेकिन मैं इस अदालत में झूठ नहीं बोलूंगा, इन साहब ने मुझे पैसे दिए थे। क्या ये सच है ब्रिजेश? मौका वारदात से सिर्फ वो भागता है जिसने खून किया है। यार, मैंने खून नहीं किया। मैं बताता हूँ वहां से मैं क्यों भागा। क्योंकि खून तुमने किया। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन इज बैजरिंग माई विटनेस। अगर प्रोसिक्यूटर साहिबा बोलने का मौका ही नहीं देगी तो ब्रिजेश बोलेगा कैसे? माया, बोली। योर ऑनर, मैं एक वाटर प्योरीफायर सेल्समैन हूँ, घर घर जाकर वाटर प्योरीफायर बेचता हूँ। मेरा बैड लक है कि मैं कभी अपनी सेल्स टारगेट पूरी नहीं कर पाता, और इसी वजह से मेरा खड़ूस बॉस मेरी बहुत बैंड बजाता है। ये मेरी पत्नी सुलेखा, आप इससे भी पूछ लीजिए। उस दिन भी मैं अपनी सेल्स कॉल बंक करके 2 घंटे एसी थिएटर में सोने के लिए गया था। मेरा बैड लक देखिए, उसी शो में खून हो रहा था, और जब खून हुआ तो मैं डर गया। मैंने सोचा पुलिस आएगी तो मुझे गवाह बनना पड़ेगा, और अगर ऐसा हुआ तो मेरे बॉस को पता चल जाएगा कि मैं सेल्स कॉल बंक करके थिएटर में था, और वो मुझे नौकरी से निकाल देगा, इसलिए मैं वहां से भागा। यार ना सर, मैं दीपा जी को जानता तक नहीं, मैंने उनका कुछ नहीं किया।
नहीं किया मैंने उनका खून। लेकिन बाकियों के मुकाबले उस वक्त तुम दीपा के सबसे करीब बैठे थे। वो भी मेरा बैड लक ही समझिए। ये भाई ने मुझे बोला कि आप कहीं भी बैठ जाइए, तो बस मैं वहां जाकर बैठ गया। मैंने उन्हें नहीं मारा योर ऑनर, मुझे अपने 6 साल के बच्चे की कसम, मैंने उन्हें नहीं मारा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी औलाद की झूठी कसम खाते हुए। योर ऑनर, मैं आपका ध्यान इस बैग की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। इसका जिप टूटा हुआ है, विच मींस कि किसी का टॉय गन की जगह पर असली गन रख देना किसी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो केडी? ये गन किसने बदली? फोरेंसिक्स ने, पुलिस ने, या फिर तुमने? क्योंकि ये बैग पुलिस को तुम्हारे ही ऑफिस से बरामद हुआ। उससे पहले 2 दिनों तक ये बैग सिर्फ ब्रिजेश के पास था। गन किसने बदली, उससे पहले ये जानना जरूरी है यार ऑनर की गन किसने चलाई। दीपा की मौत यहां नेक पर गोली लगने से हुई थी यार ऑनर। इत्तेफाक से उस समय ये सब दीपा के पीछे थे। और ब्रजेश के अलावा इन चारों में से कोई भी गोली चला सकता था। मिसाल के तौर पर करिश्मा ने चलाई हो। करिश्मा, तुम हिंदी फिल्म बॉलीवुड के गाने पर डांस करती हो, तो कौन सा मनपसंद फेवरेट गाना है तुम्हारा? पुराने गाने। अच्छा, पुराने गाने। और वो फिल्म का इतना अहम सीन चल रहा था और तुम फोन पे बात करने चली गई, क्यों हुआ? वो फोन आ गया था, वो मेरी माँ का फोन था। माँ का फोन आया था? तो तुम्हारी माँ का नाम बब्बन है? नहीं, क्योंकि तुम्हारे फोन रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि उस समय तुम्हें वर्ली चौल से किसी बब्बन का फोन आया था। जी जी, वो मेरा आशिक है। ऑफ कोर्स, अदालत में तुमने कहा कि दीपा तुम्हारी बहन जैसी थी, तो फिर उससे शर्मा कर या उससे छुप कर फोन पर बात करने की जरूरत क्यों महसूस हुई तुम्हें? दीपा बब्बन को लाइक नहीं करती थी, वो हमेशा चाहती थी कि मैं उसे छोड़ दूं। वो मुझे यही बोलते रहती थी, तो छोड़ दे बब्बन को, छोड़ दे। Come on, केडी, अगर तुम करिश्मा के खून करने की वजह ढूंढ रहे हो तो बहुत ही कमजोर वजह है, बॉयफ्रेंड प्रॉब्लम। आहा, बॉयफ्रेंड से याद आया। आशिमा, आशिमा, ये बताओ कि उस वारदात से कुछ पल पहले तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा करने की जरूरत पड़ गई, क्यों ऐसा? Why? Tell me please. सर, उसने, सर विपिन ने मेरे साथ, सर उसने, तुम खुद ही क्यों नहीं बता देते? Good idea. Mr. विपिन खत्री, विपिन, आई नो कि ये बातें जरा सी एम्बैरेसिंग हो जाती हैं, माफी चाहता हूँ, लेकिन पूछना तो पड़ेगा। क्या क्या हरकत की तुमने जिसके कारण आशिमा तुमसे लड़कर तुमको वहां सीट पर अकेला छोड़कर चली गई और तुरंत उसके बाद दीपा की मौत भी हो गई? व्हाट डिड यू डू? जी मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो उसके साथ गया भी नहीं था, मैं तो वहां अकेला गया था मूवी देखने। तुम अपनी गर्लफ्रेंड आशिमा के साथ नहीं आए थे? नो सर, इनफैक्ट ये मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये तो इत्तेफाक से मेरी बाजू वाली सीट में बैठी हुई थी, मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ सर। झूठ, लायर, ये क्यों नहीं कहते कि तुम मुझे जबरदस्ती किस करने की कोशिश कर रहे थे और अब तुम मुझे जानते भी नहीं हो? यू ऑर्डर, मिस आशिमा, आपको जो कुछ कहना है कटघरे में आकर कही। सर, मैं जानती हूँ ये झूठ क्यों बोल रहा है। सर, इसकी मम्मी को मैं पसंद नहीं हूँ, उनके डर से ये ऐसा बोल रहा है। तेरी मम्मी को मुझसे प्रॉब्लम है, तुझसे नहीं है।
उन्हें पता है कि तू कहाँ जाता है, बार डांसर्स के पास, और उनपे पैसे लुटाता है। सर हाँ ये सच है। जराना बाकी लोगों को छोटे मोटे मकसद देकर केडी अपने क्लाइंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी सबके पास छोटे मोटे मकसद थे पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा, लेकिन मेरे मुवक्किल ब्रजेश के पास कौन सा मकसद था? योर ऑनर, ब्रजेश पारिक माटुंगा में टू रूम किचन में अपनी पत्नी सुलेखा और अपने बेटे अनुज के साथ रहने वाला एक अमन पसंद इंसान, साधारण सा परिवार, साधारण सी नौकरी और साधारण सा जीवन। ब्रजेश की कोई बुरी आदत नहीं, ना ये शराब पीते हैं, ना जुआ खेलते हैं, ना कभी कोई कानूनी जुर्म किया है। और वहां दूसरी तरफ दीपा, बार परफॉर्मर, डांसर, एक अलग ही लाइफस्टाइल, अलग ही लोगों के साथ उठना बैठना। कहां ब्रजेश, कहां दीपा, दोनों में कोई तालमेल नहीं, दोनों अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। योर ऑनर, जब दो लोगों में कोई जान पहचान नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कोई नाता नहीं, तो कत्ल की वजह कैसे हो सकती है? Why will my client ब्रजेश पारिक kill दीपा? योर ऑनर, केडी का सवाल दुरुस्त है माया। पहले इंसान कत्ल की वजह ढूंढता है और फिर उसे करने का तरीका। कत्ल का तरीका तो तुमने अदालत में साबित कर दिया है, लेकिन कत्ल की वजह वो क्या है? तो ब्रजेश तुम्हारी कोई बुरी आदत नहीं? जी नहीं, कोई बुरी आदत नहीं। इनफैक्ट मैं तो अपना इनकम टैक्स भी टाइम पे भरता हूँ। ब्रजेश, ये एक न्यूज़पेपर कटिंग है, दैनिक सम्राट एक हिंदी डेली, डेट है 13 दिसंबर, अनलकी 13, जहां वर्ली के गोल्डन गन डांस बार में एक पुलिस रेड की तस्वीर है। ये इस आदमी के पीछे, कहीं आप तो नहीं? जी डांस बार की रेड में पकड़े जाना, आई एम श्योर ये एक अच्छी आदत है। नहीं, वो योर ऑनर, मेरे ऑफिस के कुलीग मुझे जबरदस्ती वहां ले गए थे। मैंने वहां जाके शराब नहीं पी सुलेखा, सच में मैंने सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पी थी। लेकिन जब मैं वहां से निकलने लगा तो मेरा बैड लक देखिए, पुलिस की रेड वहां पड़ गई और मैं पकड़ा गया। मैंने कुछ नहीं किया, पता नहीं मेरे साथ ही क्यों होता है। योर ऑनर, गोल्डन गन डांस बार और आदर्श डांस बार के बीच 25 किलोमीटर का फासला है, इसका दीपा के साथ क्या कनेक्शन है? मैं कनेक्शन नहीं साबित कर रही केडी, मैं ये साबित कर रही हूँ कि भोली सूरत होने का मतलब भोली सीरत नहीं होता। सीरत और सूरत से बड़ा सबूत होता है प्रोसिक्यूटर साहिबा। योर ऑनर, अनफॉर्चुनेटली प्रोसिक्यूशन के पास छोटा सा भी सुराग नहीं जो ये साबित कर सके कि ब्रजेश और दीपा की दुश्मनी थी और दीपा की मौत से ब्रजेश को किसी तरह का फायदा था। मेरे पास छोटा सुराग नहीं, बहुत बड़ा सुराग है। ये लेटर जो पुलिस को कुछ ही घंटे पहले हाईवे स्टार मल्टीप्लेक्स की उस सीट पर मिला जिस पर ब्रजेश बैठा था। क्या है ये? ये खून से लिखा खत है मिलॉर्ड। बी डार्लिंग, 2 महीने हो गए और तूने अपनी बीवी को मेरे बारे में नहीं बताया। बताता है या मैं बताऊं? तेरे घर आकर, तेरी दीपा डार्लिंग। ये तो बेशक ब्लैकमेल है। तो योर ऑनर, बी डार्लिंग ब्रजेश डार्लिंग ना होकर बब्बन डार्लिंग, बिपिन डार्लिंग भी हो सकता है। इज इट नॉट पॉसिबल? लेकिन ये लेटर बिपिन या करिश्मा की सीट के नीचे नहीं मिला, आपके मुवक्किल ब्रजेश की सीट के नीचे मिला। यानी कि बी ब्रजेश दीपा और ब्रजेश का अफेयर था और दीपा के ब्लैकमेल से तंग आकर ब्रजेश ने उसे मारने का फैसला किया।
अब ये कत्ल की वजह नहीं तो फिर क्या है? Your Honor, अब हर बात प्रूव हो चुकी है, कत्ल का औजार और कत्ल की वजह दोनों। मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूं, मैंने नहीं लिखाई। कसम मत खाओ ब्रजेश, सच बताओ, ये चिट्ठी दीपा ने तुम्हारे नाम लिखी थी या नहीं? सर प्लीज, केड़ी सर प्लीज, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं किसी दीपा को नहीं जानता था। मैं नहीं जानता वो असली बंदूक मेरे बैग में कैसे आई, और ना मैं ये जानता हूं कि वो खत मेरी सीट के नीचे। मेरी पूरी बैड लक लाइफ में अगर कोई गुड लक वाली चीज हुई है तो सिर्फ एक, मेरी बीवी, मेरा बच्चा। इसके बाद तो वो भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मैं क्यों गया था वहां? ब्रिजेश, ये बी डार्लिंग कौन है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये जानता हूं कि ये खत दीपा ने नहीं लिखा। कैसे खेली सर? ये देखो, खत में दो डार्लिंग है, ऊपर बी डार्लिंग और नीचे दीपा डार्लिंग। ऊपर वाले डार्लिंग की बिंदी देखो, सिर्फ एक डॉट है, और नीचे वाले डार्लिंग की बिंदी सर्कल। साफ जाहिर है कि किसी ने असली नाम मिटाकर दीपा का नाम लिखा है। ये चिट्ठी दीपा ने लिखी नहीं सर। सर मैंने ये नहीं लिखा है सर। ऑब्वियसली ब्रजेश, ये केस बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है। बैक टू हाईवे स्टार मल्टीप्लेक्स। तो आप सब उसी पोजीशन पर बैठे हैं जहां, या खड़े हैं जहां उस दिन थे जब गोली चली थी। मैं यहां ब्रिजेश की जगह पर बैठूंगा और तभी तुम दीपा की जगह पर। तेरी सब बेकार की एक्सरसाइज है। मैंने और मेरी टीम ने सबकी तलाशी ली है, इनके पास गन तथा पेपर कटर भी नहीं था। ये सब बेगुनाह है केडी, तुम्हारे उस ब्रिजेश को छोड़कर, क्योंकि वही यहां से मेरे आने से पहले भागा था, वही खूनी है। राइट दवे, लेकिन फिलहाल तुम दवे नहीं दीपा हो। प्लीज सिट डाउन। तो मैं मानता हूं कि ब्रिजेश सबसे नजदीक था, लेकिन करिश्मा तुम भी ज्यादा दूर नहीं थी। 10 फुट की दूरी पर से गोली चलाना निशाने पर बहुत ही आसान है ना? माधव केडी, माधव नहीं हो सकता क्योंकि करिश्मा उसके रास्ते में थी। मानता हूं, पॉसिबल। आशिमा जी आइए, जरा देखते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट शॉट। व्हाट से खेलिए। अब वो जो आपको अपनी क्लोज फ्रेंड कहता है, मिस्टर बिपिन खत्री। देखें सर, थोड़ा दूर है, एंगल भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक एक्सपर्ट निशानेबाज के लिए इतना मुश्किल भी नहीं, क्या कहते हो? डर क्यों नहीं हो भाई? वो जब प्यार किया तो डरना क्या, हाँ खून किया हो तो तुम्हारा डरना जायज है। हेलो, क्या कंफर्म?
केड़ी तुम्हारा शक सही निकला। उस लेटर की फॉरेंसिक और हैंडराइटिंग रिपोर्ट आ चुकी है। ना तो वो खून दीपा का है और ना ही वो हैंडराइटिंग। सुपर्ब दवे। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन का हुक्म ही इक्का। खून से लिखा हुआ ये खत जो शुरू होता है बी डार्लिंग से। ये बी डार्लिंग कौन है ये हमें सिर्फ दीपा बता सकती थी, लेकिन अफसोस कि यह मुमकिन नहीं। इसलिए नहीं योर ऑनर कि दीपा का देहांत हो गया, बल्कि इसलिए कि यह खत दीपा ने लिखा ही नहीं। योर ऑनर, मौका वारदात पर मौजूद सभी का ब्लड सैंपल्स लेने के बाद फोरेंसिक्स का यह कहना है कि यह ब्लड टाइप करिश्मा का है। Your Honor, मैं चाहता हूं कि करिश्मा कटघरे में आकर इस बात पर रोशनी डाले। ये लेटर मैंने ही लिखा है। करिश्मा जी, अब अदालत को ये बताइए कि बी डार्लिंग कौन है। बी बब्बन मेरा बॉयफ्रेंड। ये लेटर मैं ही उसको लिखी थी। इसमें मैं उसको धमकी दे रही थी ताकि वो अपने बीवी को छोड़ के मेरे पास आ जाए। तो कंफ्यूजन मुझे ये है करिश्मा कि बबन के पास से वो लेटर थिएटर में, वो भी ब्रिजेश की सीट के नीचे कैसे हुआ ये? हाउ डिड इट हैपन? मेरे को नहीं मालूम। मैं सच्ची बोलती, मेरे को नहीं मालूम साहब। नेवर माइंड करिश्मा, ये बताओ इस खत पर लिखावट तुम्हारी है ये तो हम जानते हैं, लेकिन इस खत के आखिर में दीपा डार्लिंग ये तुमने क्यों लिखा? ये मैंने नहीं लिखा। ये लेटर मैं उसको लिखी। लिखने के बाद लेटर के एंड में मैंने खाली जगह छोड़ दिया। मैं तो अपने नाम तक नहीं लिखी उसमें। राइटिंग तुम्हारी नहीं तो किसकी है? मेरे को नहीं मालूम। तो किसको मालूम? मैं बताती हूँ केडी, ये खत करिश्मा ने ही लिखा, लेकिन किसी बब्बन को नहीं, अपने डार्लिंग बी यानी कि ब्रिजेश को। ब्रिजेश का अफेयर दीपा के साथ नहीं, करिश्मा के साथ था। लेकिन मौत तो दीपा की हुई। गिराना ये ब्रिजेश की गलती से हुआ। वो मारना करिश्मा को चाहता था, लेकिन अंधेरे में गलती से गोली दीपा को लग गई। You must be joking, prosecutor. Your Honor, मैं प्रोसिक्यूशन को याद दिला दूं कि उस समय दीपा और करिश्मा दोनों की पोजीशंस कंप्लीटली अलग थी। ये मुमकिन ही नहीं। वो दोनों में कंफ्यूज हो गया होगा। कंफ्यूज तो आप हैं प्रोसिक्यूटर साहब। Never mind. मैं इस कंफ्यूजन को दूर किए देता हूं। ब्रिजेश का दीपा और करिश्मा के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। अगर दीपा उस थिएटर में किसी को पहचानती थी, किसी को जानती थी, तो वो है करिश्मा। करिश्मा ने ही फोन पर बात करने के बहाने उठकर दीपा को गोली मारी। करिश्मा ने ही अपना लिखा हुआ लेटर ब्रिजेश की सीट के नीचे रखा। करिश्मा ने ही अदालत में झूठ बोला कि उसने ब्रिजेश के हाथ में गन देखी। योर ऑनर, इट इज करिश्मा। माय लॉर्ड, मैं सच्ची कहती हूँ, मैं दीपा को नहीं मारी हूँ। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मैं दीपा को नहीं मारी हूँ। नहीं, मैं दीपा को नहीं मारी हूँ। मैं को नहीं मारी हूँ। अरे अरे अरे, क्या हो गया? आप भावुक हो गई आप। ओके ओके, ये वही बैग है जो थिएटर में उस दिन आपके पास था? मैं देख सकता हूँ सर? थैंक यू। क्या देख रहे हो केडी? योर ऑनर, मैं आपका ध्यान अब इस बैग की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। यहां देखिए, दोनों तरफ पर बुलेट होल्स, यानी कि गोली इस बैग के आर पार चली गई।
मतलब गोली करिश्मा के बैग से गुजरते हुए दीपा को लगी? इसका मतलब साफ है योर ऑनर, किसी ने गोली चलाई जिसका निशाना करिश्मा था। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी, गोली ने इनको मिस किया, इनके बैग के आर पार निकली और दुर्भाग्यवश दीपा की जान ले ली। आपका बैग? लेकिन ब्रिजेश तो दीपा के पीछे और करिश्मा के आगे बैठा था, तो वो गोली कैसे चला सकता है? Exactly, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा, यही तो मैं केस की शुरुआत से कह रहा हूं कि खून ब्रिजेश नहीं किया क्योंकि गोली ब्रिजेश नहीं चलाए। जरा उस बोर्ड की तरफ देखिए, गोली उसने चलाई जो दीपा और करिश्मा के ठीक पीछे उसी लाइन में था। बब्बन के छोटे भाई माधव, फंस गए ना माधव, तुम्हारा निशाना चूक सकता है लेकिन केडी पाठक का निशाना कभी नहीं चूकता। मैं करिश्मा को मारना चाहता था क्योंकि बब्बन मेरा भाई है, करिश्मा की वजह से उसका वैवाहिक जीवन बर्बाद हो गया। मैं अपने भाई के घर को टूटते नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने उसे अपने थिएटर की दो टिकटें दी। मैं जानता था वो करिश्मा को जरूर देगा, और फिर मैंने उसे मारने का प्लान बनाया। तुमने गन लेकर फिल्म के उस सीन का इंतजार किया और थिएटर में अंधेरा होते ही गोली चलाई, लेकिन किस्मत कि करिश्मा बच गई और बेचारी दीपा वो मारी गई। उसके बाद तुमने ब्रिजेश का पीछा किया, डाइव मारकर उसे जमीन पर गिराया। जमीन पर गिरने के कारण उसके बैग में जो टॉय गन था वो निकलकर बाहर गई। तुमने अपना दिमाग लड़ाया, अपनी गन उसके बैग में डाल और उससे पैसे लिए, उसको जाने दिया, ये सोचकर कि जितना पुलिस से भागेगा उतना ही लोग उसे दोषी मानेंगे। जी, पर क्योंकि करिश्मा बच गई थी, मैं बब्बन के घर गया और वो लेटर चुराया। उसमें दीपा का नाम लिख दिया और लाके ब्रिजेश के सीट पर रख दिया और पुलिस को बता दिया, ताकि उस लेटर की जांच के बाद हम सबको ये लगे कि इस कत्ल में करिश्मा का भी हाथ है। एक तरफ से तो नाकामयाब रहे, तो तुमने दूसरी तरफ से करिश्मा से बदला लेना चाहा। Am I right or am I right? ये साफ तो बेकसूर है, इनका तो बस बैड लक था जो गलत जगह पे गलत इंसान बनकर आ गए। I rest my case, Your Honor. ये अदालत माधव पुरोहित को दीपा सक्सेना के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और साथ ही मुलजिम ब्रजेश पारिक को इसी कत्ल के इल्जाम से मुक्त करते हुए उन्हें हुई तकलीफ के लिए माफी चाहती है और उन्हें बाइज्जत बरी करने का हुक्म देती है। The case is closed. सॉरी मिस फडनिस। मुझे इंतजार है उस दिन का केडी, जिस दिन मैं तुम्हें सॉरी कहूंगी तुम्हें हराने के लिए, और वो दिन बहुत जल्द आएगा। आई एम श्योर। हाँ ब्रिजेश, आजादी मुबारक हो, और एक मशवरा देता हूं तुम्हें। जी। अगली बार अपने बेटे के लिए पिस्तौल नहीं, कोई अच्छी सी पुस्तक खरीदना। और एक और बात केडी जी, मुझे लगता है कि अब मेरा बैड लक हो ही नहीं सकता। जिस इंसान के पास आप जैसा वकील हो उसका बैड लक तो हो ही नहीं सकता। थैंक यू। अरे वैसे आजाद हुए हो, ट्रीट तो दो।
हाँ आप कहिए ना। फिल्म देखने चले? खबरें तुझे यहाँ क्यों बुलाया? इस अम्यूजमेंट पार्क पब्लिक प्लेस पे बुलाया है। डरता है कहीं अकेले में ठोकना तुझ साले। वैसे तेरा कुछ भरोसा भी नहीं रहना। तू जैसा सरफिरा कुछ भी कर सकता है। कहाँ हो तेरा खबरी बांडिया? क्या बोलते साहब? ये मुंगट क्यों पहना? ठंडी लग रही है साहब। ठीक से खड़ा रहे। बोलो। पक्की खबर लाया हूँ साहब। रोकड़ा लाया? ये ले और अब बोल। नशीले ड्रग्स की कौन सी कंसाइनमेंट की खबर देने बुलाया हमें? बताओ। बता रहा हूँ साहब, बता रहा हूँ। कब बोलेगा वे? यहाँ नहीं साहब, वहाँ उधर स्टैंडविल पे। हाँ सर, वहाँ क्यों, यहाँ क्यों नहीं? साहब यहाँ कोई कोई देख लेगा, गैंग का आदमी गोली वोली मार देगा, क्या पता। ये देख रहा? देख रहा साहब, देख रहा, देख रहा सर। गोली तुझे मैं मारूंगा, समझ गया? यहाँ हम तुझसे नशीले ड्रग्स के कंसाइनमेंट की इन्फॉर्मेशन लेने आए हैं। सुना, ये झूले पे चक्कर काटने के लिए नहीं। साले बताता है? हाँ प्लीज, जैसा ये कहता वैसा कर। चुपचाप इन्फॉर्मेशन ले और चले यहाँ से। कहाँ चलना? बोल। आओ। हेलो, हेलो गणेश। हाँ जसवीर। राणा तू जा, मैं यहीं रुकता हूँ। जा आओ सब। यहाँ पे कोई भी होशियारी की ना तो साले यही ठोक दूंगा तेरे को। अब बताता हूँ, ऊपर चलने तो दो। ए चला रे। अगर नहीं बताना ऊपर जाके तो ऊपर ही बता दूंगा तेरे को। साहब कैसी बात कर रहे हो, मैं बताऊंगा ना। अरे बचाओ, मेरे को मार रही है। वो क्या कर रहा है? अरे यार बचाओ, अरे बचाओ। अरे चुप कर। अरे कैसे चुप कर रहा है? मारो मेरे को। दे दे रे। मैं हो क्या रही हूँ? अरे गोली, अरे बंदूक भाई साहब, साहब साहब भाई कुछ नहीं किया साहब। मेरे को कर। अरे साहब मैं कुछ किया? तो रख के दूँगी ना तुम। भाई कुछ किया नहीं साहब, काय करो। चुला रखो। चुप कर। अरे बस, अरे बस हट गए क्या तेरी? अरे बस। अरे पागल हो गया साला। खून खून। अरे सर खून स्कूल हो गया यहाँ पर। अरे सर इधर आइए। बांडिया बांडिया किसने? मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया था भाई। रुक जाना। अरे मैंने नहीं किया था भाई। राणा गन नीचे कर। मैंने नहीं मारा इसे था भाई, समझने की कोशिश कर। राणा गन नीचे कर। पागल हो गया क्या? राणा गन नीचे कर। तबे ये किसी और ने
राणा प्लीज मैं कह रहा हूँ नीचे कर प्लीज। इंस्पेक्टर विश्वजीत राणा महिमराज इस वक्त पुलिस हिरासत में बंदिया के कत्ल के जुर्म में। यह सुनकर कोई ताज्जुब नहीं हुआ मुझे दवे। इंस्पेक्टर राणा के गुस्से के किस्से बहुत ही मशहूर है, सब जानते हैं। जानता हूं बेटा, इसीलिए फर्ज के नाते मैंने खुद उसे गिरफ्तार किया है। राणा अकेडमी के दिनों से मेरा अच्छा दोस्त है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। केडी इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। मैं ये नहीं कहता कि तुम उसे बेगुनाह साबित करो, बस इतना चाहता हूं कि अदालत में सच साबित करो। राइट। मिस नियति शर्मा, वेलकम बैक। कमाल है, आपके आते ही नया केस भी आ गया। गॉड सेक केडी, फॉर द लास्ट टाइम, मैंने उसे नहीं मारा। लेकिन बंदिया तो चिल्ला रहा था। अरे झूठ बोल रहा था वो, छुआ तक नहीं मैंने उसे। देखो इंस्पेक्टर राणा, सच सच बताओ, कभी कभी होता है हम लोग गुस्से में आकर। अरे गुस्से में आके क्या कह दे, मैंने उसे नहीं मारा। राणा मुझे पता है कि मेरा गुस्सा मेरी कमजोरी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि उसकी वजह से मैं अपनी बरसों की पुलिस की नौकरी को दांव पे लगा दूं। मैंने बंडिया को नहीं मारा। Your Honor, simple case. दो लोग एक जॉइंट व्हील की सीट पर एक साथ बैठते हैं और जब जॉइंट व्हील रुकता है तो उनमें से एक के पेट में छुरा, और वो भी ऐसे एंगल से जहां से कोई और ना फेंक सकता है और ना मार सकता है। मेरे पहले गवाह इंस्पेक्टर राणा के कुलीग और दोस्त जो उस वक्त वहीं मौजूद थे, इंस्पेक्टर दवे। इंस्पेक्टर दवे, क्या आपको भी लगता है कि आपके दोस्त इंस्पेक्टर राणा बेगुनाह है? जी वो मैंने सिर्फ लाश देखी थी, खून होते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। क्या आपको लगता है इंस्पेक्टर राणा बेगुनाह है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मेरा दिल कहता है कि इंस्पेक्टर दवे, ये कोई टीवी टॉक शो नहीं जहां दिल की बातों पर जोर दिया जाए। ये अदालत है, यहां जज्बात आड़े नहीं आते। आप एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हैं, आपकी क्या राय है? क्या इंस्पेक्टर राणा बेगुनाह है, हाँ या ना? नहीं। जिस तरह से सारी घटनाएं घटी, अफसोस मुझे लगता है कि राणा झूठ बोल रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो। That's all. Thank you, Inspector Dave. Your Honor, मेरे अगले गवाह उस जॉइंट व्हील पर बैठे असगर खान। हुजूर, मैं और मेरी बीबी अफजा दोनों पास वाले झूले पर थे, तभी हमने अचानक से बांडिया को चिल्लाते हुए सुना। पागल हो गया, चुप कर। अरे कैसे चुप कर रहे, मारो मेरे को, देख रहे। और तभी झटके से किसी ने झूले को रोक दिया। फिर हमने नीचे देखा तो इंस्पेक्टर राणा साहब चिल्ला रहे थे। और ये गुस्से में उठ के चला गया, और फिर वो बंदिया वहीं पे पड़ा रहा। हाँ सर, मैंने देखा था, बहुत ध्यान से देखा था। मैं घबरा कर चिल्लाया और जाकर झूला बंद कर दिया। उस वक्त वहां पे और भी लोग इकट्ठा हो गए। कदम, तुम उस झूले के सबसे करीब थे। जब बंडिया बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था तो आपने ऊपर क्या देखा? सर, मैंने देखा था कि इंस्पेक्टर राणा बंडिया को जकड़े हुए थे, यूं इस तरह, और वो बेचारा गरीब आदमी बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, लेकिन इनके सर पर तो जैसे शैतान सवार था। राइट।
और ये कटघरे का साइज लगभग उतना ही है जितना उस झूले का, राइट? हाँ सर, तकरीबन तो सेम ही है। तो समझ लो कि मैं इंस्पेक्टर राणा हूं और तुम बंडिया, और इंस्पेक्टर राणा ने तुम्हें इस तरह पकड़ा, राइट? राइट? बोलो, क्या इसी तरह पकड़ा था तुम्हें? केडी बोलो। ऑर्डर ऑर्डर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। केडी मेरे विटनेस के साथ हाथापाई कर रहे हैं। केडी लीव हिम इमीडिएटली। बोलो। अरे छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। अरे ऑर्डर ऑर्डर, पॉइंट इन द कोर्ट प्लीज। योर ऑनर, अगर मैं कहूं कि मैंने कदम को नहीं, कदम ने मुझे पकड़ा हुआ, तो क्या ये गलत होगा? क्या ये गलत होगा? लेकिन कदम ने तुम्हारा हाथ पकड़ा अपने आप को छुड़ाने के लिए। एग्जैक्टली प्रोसिक्यूटर साहब। योर ऑनर, उस रात इंस्पेक्टर राणा भी यही कर रहे थे। कोई आप पर हमला करे और आप अपने हमलावर को छुए बिना अपने आप को बचा लें, ये मुमकिन नहीं। इंस्पेक्टर राणा ने बंदिया पर हमला नहीं किया, बंदिया झूठ बोल रहा था। अगर वो झूठ बोल रहा है तो फिर ये क्या है? फोरेंसिक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक बंदिया की लाश के ऊपरी हिस्से पर जगह जगह पर मार की घाव के निशान थे। उसके चेहरे पर, उसके सीने पर। क्या ये घाव उसने खुद अपने आप को लगाए? It's possible, हो सकता है। योर ऑनर, उस रात को बंदिया ने ये जैकेट पहना हुआ था, वो भी अपने सर को इस जैकेट के हुड से छिपाकर। मुंबई की 35 डिग्री की हीट में कोई ऐसा लिबास क्यों पहनेगा? कहना क्या चाहते हो केडी? योर ऑनर, मैं ये कहना चाहता हूं कि उस रात बंदिया ने ये जैकेट अपने जिस्म पर लगे घाव को छुपाने के लिए पहना था, वो घाव जो उसके जिस्म पर पहले से ही लगे थे। गलत। बंदिया उस शाम को वहां अपने गैंग मेंबर से छुप कर आया था। उसने वो हुड और जैकेट उनसे अपना चेहरा छुपाने के लिए पहना था। योर ऑनर, डिफेंस लॉयर की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि जुल्म करने वाला बंदिया था और जुल्म सहने वाले इंस्पेक्टर राणा। लेकिन इतिहास तो कुछ और ही कहता है। मैं आई के लिए इंस्पेक्टर राणा, क्या ये सच है कि पुलिस डिपार्टमेंट के डॉक्टर मेहरा और आपके क्राइम ब्रांच की टीम ने आपको एक साइकाइट्रिस्ट की मदद लेने को कहा है? जी। और वो मदद आपने नहीं ली। वैसे आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ओ यस, आपका मशहूर गुस्सा, जिसकी वजह से कई कैदियों को आपने लॉकअप में बेरहमी से पीटा है, यहां तक कि एक की जान तो जाते जाते बची। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था योर ऑनर। अक्सर ऐसे मुजरिमों से सच उगलवाने के लिए हमें उन पर जोर आजमाना पड़ता है। अच्छा, आइए आपके एक ऐसे ही जोर आजमाए कैदी से इसके बारे में पूछते हैं। योर ऑनर, मेरा अगला गवाह मुलजिम शेरवीर सिंह। शेरवीर सिंह, अदालत में हाजिर हो। मिलोट, 4 महीने पहले इंस्पेक्टर राणा ने शेरवीर को एक कत्ल के इल्जाम में चेंबूर से पकड़ा था। शेरवीर, आपका ये हाथ कैसे टूटा? इंस्पेक्टर राणा ने तोड़ा था जज साहब, मुझसे झूठा बयान दिलवाने के लिए, और मुझे ये भी धमकी दी थी कि अगर मैंने गुनाह नहीं कबूल किया तो ये मेरा हाथ नहीं बल्कि मेरी कमर भी तोड़ देंगे। ऑर्डर ऑर्डर। और ये बात मेरा वकील अदालत में साबित करके रहेगा। झूठ बोल रहा है ये। योर ऑनर, आप एक जिम्मेदार पुलिस इंस्पेक्टर की बात सुनेंगे या ऐसे खूनी की? जिम्मेदार इंस्पेक्टर कैदियों के हाथ नहीं तोड़ा करते। क्या शेरवीर का हाथ आपने तोड़ा? जी, और मुझे उसके लिए एक हफ्ते के लिए सस्पेंड भी किया गया था। योर ऑनर, वो एक गलती थी और इंसान से गलती एक बार होती है।
दो बार होती है, 8 बार नहीं। ये है पुलिस ब्रुटैलिटीज के खिलाफ 4 कंप्लेंट्स, जिस सब में आपका नाम है। ह्यूमन राइट्स कमीशन और एनजीओ की 2 इंक्वायरीज, 2 कोर्ट केसेस जिसमें से 1 शेरवीर का है। इंस्पेक्टर राणा, आप इस वर्दी पर कलंक हैं और बंदिया को मारकर आपने अपने गुस्से को इंतहा तक पहुंचा दिया और ये साबित कर दिया कि आप किसी खूंखार क्रिमिनल से कम नहीं। You should be in jail. Shut up! How dare you? आपको मेरे खिलाफ 8 केसेस नजर आते हैं, लेकिन मुझे मिले ब्रेवरी अवार्ड्स नहीं हैं, जो मुझे ड्यूटी पर अपनी जान पर खेलने के लिए मिले। योर ऑनर, ये घाव देखिए, ये घाव देखिए योर ऑनर, मैंने अपने फर्ज के लिए अपने सीने पर गोली खाई है, सीने पर गोली खाई है मैंने, और आपकी नजरों में मैं क्रिमिनल हूँ। मैं बिहेव योरसेल्फ इंस्पेक्टर राणा। अगर मैं जुर्म के खिलाफ जान दे सकता हूँ तो जान ले भी सकता हूँ। प्लीज प्लीज इंस्पेक्टर, आई रिक्वेस्ट, प्लीज राणा, प्लीज, किसी और को यकीन हो ना हो, मुझे यकीन है कि तुम निर्दोष हो। प्लीज काम डाउन, बात और भी बिगड़ जाएगी। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, तबे इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, प्लीज सिट डाउन। अरेस्ट हिम, ले जाइए ना यहां से। कानून के रखवाले होकर ऐसा बिहेवियर, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। प्लीज ले जाइए ना। अगली बार विश्वजीत राणा को अदालत में हथकड़ियों में लाया जाएगा। That's my order. Your Honor, मुल्जिम विश्वजीत राणा की इस हरकत के बाद शायद मुझे अदालत के सामने ये साबित करने की जरूरत नहीं कि इनका गुस्सा इन्हें किस हद तक ले जा सकता है। अगर भरी अदालत में ऑनरेबल जज के सामने ये मुझ पर बंदूक तान सकते हैं तो जरा सोचिए एक मामूली से खबरी के साथ अकेले वो क्या सलूक कर सकते हैं। ये शक समाज के लिए एक खतरा है और बंदिया के कत्ल में इसे कड़ी से कड़ी सजा मिले वो भी कम है। केडी, प्लीज अप्रोच द बेंच। अदालत में एक लॉयर पर गन तानना, व्हाट इज दिस? ये आदमी तुम्हें किस एंगल से मेंटली स्टेबल लगता है? मैं चाहूं तो अभी इसे हिरासत में लेकर इस पर सेंटेंस। योर ऑनर, इस केस के दबाव की वजह से इंस्पेक्टर राणा थोड़े से परेशान है, प्लीज मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिए कि मैं उन्हें समझा सकूं। ग्रांटेड। जज के सामने प्रोसिक्यूशन पे गन तान कर इंस्पेक्टर राणा ने खुद के पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। He's crazy. हेलो हेलो गणेश, केड़ी आया है इंस्पेक्टर के साथ। क्या कदम एक काम करो, वो 13 नंबर झूला नीचे लेकर आओ जिसपे इंस्पेक्टर राणा और बांडे बैठे थे। जी सर। हेलो
ये क्या है केडी? किसी दुकान का टोकन लगता है, लेकिन नाम नहीं लिखा। ये तो किसी का भी हो सकता है। हाँ सर, अब इस झूले में तो रोज पता नहीं कितने लोग आकर बैठते हैं। अब टिकट में नाम और पता तो लिखा नहीं होता है ना सर? राइट, हो सकता है कि ये बंडिया का ही हो। एक काम करो दवे, इसका फिंगरप्रिंट रिपोर्ट निकलवा लो, और मुझे लगता है कि हमें बंडिया के घर भी जाना चाहिए। आई एम श्योर वहां कोई ना कोई सुराग मिलेगा। चले। रस्सी से बंधा हुआ हुक, क्या मतलब है इसका? कल शाम इंस्पेक्टर दवे और मैं बंदिया का बैकग्राउंड चेक करने के लिए उसके घर गए। उसके घर से मुझे ये पिलो कवर और साबुन की ये टिकियां मिली। ये साबुन की टिकियां इसी पिलो कवर में कुछ ऐसे रखी गई। इस सब का मतलब क्या है? बताता हूं योर ऑनर, उससे पहले इस पिलो कवर पर गौर फरमाइए। इसमें यहां एक छेद है जहां रस्सी से बंधे इस हुक को लगाया गया था, ऐसे। ये रस्सी से बंधा हुक मुझे बंदिया के फैन पर लटका हुआ दिखा, वहीं से मैं लाया हूं इसे। पंखा, रस्सी, साबुन, इस सब का इस केस से क्या ताल्लुक? पेशेंस प्रोसिक्यूटर साहिबा, अभी बताता हूं। और प्रोसिक्यूटर साहिबा, आप जरा प्लीज पीछे हटिए, यहां आइए। वैन ऑन प्लीज। Your Honor, मुझे पूरा यकीन है कि कल तक मेरे शोल्डर पर भी ठीक उसी तरह का नीला घाव हो जाएगा जिस तरह के घाव बंडिया के बदन पर पाए गए। Oh my God, you're right. ये घाव बंडिया ने खुद अपने जिस्म पे लगाए इंस्पेक्टर राणा को फंसाने के लिए। Absolutely, Your Honor. खाब भले ही बंदिया के थे, लेकिन Your Honor, क्या बंदिया ने अपने आप को ये चाकू मारा? Your Honor, बंदिया को चाकू किसने मारा? उससे पहले एक पॉइंट जो पिछली बार मैं अदालत में कह नहीं पाया था, ये चाकू, the murder weapon, इस पर इंस्पेक्टर राणा की उंगलियों के निशान
नहीं है यार। Come on, KD. फोरेंसिक से अच्छी तरह वाकिफ एक पुलिस इंस्पेक्टर क्या मर्डर वेपन पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ेगा? इस चाकू पर रुमाल के रेशे हैं। जाहिर सी बात है, इसे पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर राणा ने रुमाल का इस्तेमाल किया। क्या सबूत है प्रोसिक्यूटर साहिबा कि यह चाकू इंस्पेक्टर राणा का है? क्या सबूत है यह चाकू बंदिया का है? चलिए साबित किए देते हैं। योर ऑनर, यह चाकू बिल्कुल नया है, अभी भी इस पर बार कोड स्टिकर लगा हुआ है, हाइपरमार्ट डिपार्टमेंट स्टोर का बार कोड स्टिकर। अदालत जानती है, लेकिन हाइपरमार्ट के पास इसकी खरीदारी का सबूत है, पर वो खरीदार कौन था ये सबूत नहीं। चलिए ये भी साबित किए देते हैं। योर ऑनर, ये पिंक टोकन मुझे उसी झूले में से उसी सीट के नीचे से मिला जिस पर बंदिया बैठा था। हाइपरमार्ट डिपार्टमेंट स्टोर वालों ने माना है कि ये टोकन उनका है जो उनकी सिक्योरिटी लोगों के पर्सेस और बैग्स की सिक्योरिटी के लिए देते हैं। तो फिर ये टोकन इंस्पेक्टर राणा की जेब से गिरा होगा? अनफॉर्चुनेटली नॉट, मिस प्रोसिक्यूटर। ये टोकन बंडिया की जेब से ही गिरा है, क्योंकि योर ऑनर अब तक बंडिया का पाउच और उसका सेलफोन इसी लॉकर में था जो वो चाकू खरीदने की जल्दबाजी में वहां से लेना भूल गया। इससे ये तो साबित हो गया केडी कि ये चाकू बंडिया का ही था, लेकिन उसके अपने चाकू से मौत कैसे हुई? मैं बताती हूँ योर ऑनर। बंदिया ये चाकू इंस्पेक्टर राणा से अपनी हिफाजत के लिए वहां लाया था। इंस्पेक्टर राणा ने उसी चाकू से उसका कत्ल किया। सिंपल योर ऑनर, कत्ल किसी और ने किया, इंस्पेक्टर राणा ने नहीं। और यही बात साबित करने के लिए मैं एक बार फिर कटघरे में बुलाना चाहता हूँ मुलजिम शेरवीर को। इजाजत चाहता हूँ योर ऑनर। इजाजत। शेरवीर सिंह अदालत में हाजिर हो। क्या बात है शेरवीर जी, रंग ढंग बिल्कुल अलग, और हाँ आपका हाथ भी ठीक हो गया। क्योंकि अब मुझे बेल मिल चुकी है। ओके। इंस्पेक्टर राणा के हाथों कट होने के बाद मेरे वकील ने बड़ी आसानी से अदालत में साबित कर दिया कि इंस्पेक्टर राणा मुझ पर दबाव डालकर गुनाह कबूल करवाए थे। ये कैसा इंसाफ है योर ऑनर, शेरवीर जैसे क्रिमिनल को यह अदालत खुला छोड़ रही है और मुझ जैसा पुलिस ऑफिसर यहाँ हथकड़ी में कैद है। इंस्पेक्टर राणा, प्लीज। ऑर्डर ऑर्डर। इंस्पेक्टर राणा, अपने गुस्से पे काबू रखिए, वरना आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा दिया जाएगा। देखा जज साहब आपने, देखा ये किस किस्म का पागल आदमी है। ये कदम और सारे गवाह सच बोल रहे हैं, लेकिन ये अकेला ऐसा है कि जो झूठ बोल रहा है। इसके जुल्म की सजा मिलनी चाहिए। मिस्टर शेरवीर, आप अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ने दीजिए। केडी प्लीज अपने सवाल पूछिए। थैंक यू ईरान। बहुत ही जज्बाती है। यानी एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। मरहूम बंडिया को जानते थे आप? ये आप क्यों पूछ रहे हैं? देखिए शेरवीर जी, मेरे सवाल का जवाब आपका जवाब है, आपका सवाल नहीं। सवाल दोहरा देता हूं, मरहूम बंडिया को आप जानते थे? जी हाँ, 2 महीने पहले मेरे साथ लॉकअप में बंद था एक दिन के लिए। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप क्यों पूछ रहे थे? हाँ पूछ सकते हैं, पूछिए। चलिए मैं ही बता देता हूं। योर ऑनर, बंडिया का ये पाउच जो मुझे हाइपरमार्ट के लॉकर से मिला, उसमें मिला मुझे ये सेलफोन जिस पर 3 मार्च की सुबह आर्थर रोड जेल से 2 फोन आए थे। जाहिर सी बात है कि मैंने आर्थर रोड जेल के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए ये जानने के लिए कि वो फोन किसने किए थे, और पता चला कि वो फोन आपने किए थे शेरवीर जी, क्या ये सही है? जी हाँ, मैंने उसे फोन किया था।
क्यों किए थे आपने ये फोन? इसलिए क्योंकि मुझे उसके वकील का नंबर चाहिए था। उसके वकील ने उसे जेल से मात्र एक दिन में रिहा करवा दिया था, एक दिन में। और आज मुझे देखिए, आज उसने मुझे जेल से रिहा करवा दिया। केली, तुम साबित क्या करना चाहते हो? यही योर ऑनर, कि बंड्या ने शेरवीर के कहने पर इंस्पेक्टर राणा को फंसाया। कारण ऐसा होने से इंस्पेक्टर राणा के खिलाफ शेरवीर का किया गया केस और मजबूत हो जाता, जैसा कि हुआ, और लॉकअप से इन्हें रिहाई मिल जाती, जैसा कि हुआ। केडी, शेरवीर की रिहाई एक कानूनी फैसला है जिसे तुम और मैं चैलेंज नहीं कर सकते। रही बात शेरवीर के प्लान बनाने की, तो सिर्फ फोन कॉल का जिक्र काफी नहीं है, तो उसका ठोस सबूत पेश करो। I'm sorry, Your Honor. इस समय और कोई सबूत नहीं है मेरे पास। तो फिर हम शेरवीर को अदालत में और नहीं रोक सकते। शेरवीर, आप जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जज साहब। डिफेंस लॉयर केडी पाठक इस केस को कुछ ज्यादा ही खींच रहे हैं। इंस्पेक्टर राणा की ब्रुटैलिटी के बारे में सारा सिस्टम जानता है। उस शाम को इंस्पेक्टर राणा बंदिया के साथ झूले पर अकेले थे, और फोरेंसिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक बंदिया के पेट में छुरा लगा, जहां सिर्फ वो ही पहुंच सकता था जो उसके बगल में बैठा हो। ना तो राइड ऑपरेटर कदम, ना फिर दूसरे झूलों पर बैठे असगर खान, अफजा खान या फिर देवेश गुराडिया। एक मिनट योर ऑनर। माया, क्या तुमने इस केस के विटनेसेस का नाम कभी शेरवीर को बताया? ऑफ कोर्स नॉट। शेरवीर का इनसे क्या लेना देना? एग्जैक्टली योर ऑनर। इस केस के दौरान शेरवीर लॉकअप में था, आज ही लॉकअप से छूटा है, और अभी थोड़ी देर पहले कटघरे में बयान देते वक्त उसने जॉइंट व्हील ऑपरेटर कदम का नाम लिया। ये कदम और सारे गवाह सच बोल रहे हैं, लेकिन ये अकेला ऐसा है कि जो झूठ बोल रहा है। अगर उसे इनका नाम नहीं पता, तो उसने कदम का नाम कैसे लिया? योर ऑनर, मुझे लगता है कि शेरवीर और कदम के बीच कोई गहरी कड़ी है। कदम का आज अदालत में ना होना भी। योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर दवे को लेकर कोर्ट से जाने की इजाजत चाहता हूं। प्लीज योर ऑनर, वेरी अर्जेंट। इजाजत। थैंक यू योर ऑनर। एक्सक्यूज मी, ये जॉइंट व्हील तो कदम चला गया ना, कहाँ है वो? जी, उनका कोई रिश्तेदार मिलने आया था उनसे, वो लोग उस तरफ गए हैं। हेलो गणेश, संभल के रहना, वो पुलिस वाला आया उसी वकील के साथ। कदम, कदम, नो पल्स दबे, लेकिन जिस्म अभी भी गर्म है, यही कहीं होगा। कौन? कदम का कातिल। एक काम करो दबे, तुम उस तरफ देखो, नियति को दैट साइड, और पता चलते ही मुझे फोन करो। गो 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 गो। भैया, भैया इस झूले को ऊपर जाके रोको तो पूरा पार्क दिखेगा ना? जी। तो शायद वो कातिल भी मुझे ऊपर से दिख जाए,
भैया जरा जल्दी खोलना, मुझे ऊपर जाना है। जी आइए, जल्दी करना भैया। मुझे माफ कर दो साहब, माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो। गणेश तुम जानते हो इसे? एक साल पहले जुए के अड्डे में काम करते हुए पकड़ा था मैंने इसे। मैं यहां नौकरी करता हूं, आप चाहो तो मेरे दोस्त से पूछ लो साहब। केडी, इसका इस केस से कोई मतलब नहीं है। केडी साहब, केडी साहब, दबे। केडी साहब, चुप चुप। मुझे पकड़ने की कोशिश मत करना, बड़ी मुश्किल और मेहनत के बाद मैं जेल से छूटा हूँ, दोबारा जेल में नहीं जाना चाहता। देखो नियति को कुछ मत करना, तुम क्या चाहते हो ये बताओ। तुम दोनों पहले जाओ, मेरे लिए 2 करोड़ कैश और एक गाड़ी का इंतजाम कराओ। ठीक है ठीक है, मैं दवे को भेजता हूँ गाड़ी लेने। दवे तुम जाओ गाड़ी लाओ, पीछे से निशाना लगाओ, मैं बातों में उलझाता हूँ। गो दवे गो। देखो दवे तो चला गया, लेकिन अगर मैं चला गया तो तुम्हारे सामान का बंदोबस्त कौन करेगा, तुम्हारे कैश का बंदोबस्त कौन करेगा? और हाँ, बैंक तो बंद हो चुके हों, 2 करोड़ रुपए एटीएम से तो निकलेगा नहीं, क्या चेक चलेगा? मजाक मत करो कैडी, वरना इस लड़की की लाश पर रोओगे तुम। मजाक नहीं कर रहा शेरवीर। झूला नीचे करो। नियति, आर यू ऑलराइट? चल चल। मैंने ही बंडिया को पैसे की लालच देकर उससे कहा कि अपने शरीर पर घाव लगाकर हाथ में चाकू लेकर इंस्पेक्टर राणा के पास जाए और कहे कि इसी चाकू से वो इंस्पेक्टर राणा उसे मारना चाहता था। एग्जैक्टली योर ऑनर, लेकिन बेचारे बंडिया को शेरवीर के बाकी के प्लान के बारे में कोई खबर नहीं थी। शेरवीर ने अपने पुराने वफादार कदम को पार्क में जॉइंट व्हील ऑपरेटर की नौकरी दिलाई और उस रात बंडिया के बचाओ बचाओ चिल्लाने के बाद जब झूला नीचे आकर रुका और इंस्पेक्टर राणा वहां से उतरकर बाहर आ गए, बड़ी होशियारी से बड़ी चालाकी से उसी छुरे को बंडिया के पेट में घुसाकर पीछे हट गया। ताकि लोगों को लगे कि वो कत्ल वो खून इंस्पेक्टर राणा ने किया है। इस डर से कि पुलिस कहीं कदम तक पहुंच ना जाए और मैंने मैंने कदम का भी खून कर दिया। मैंने सब कुछ किया जो साहब, मैं ही जिम्मेदार हूं। अरेस्ट में केस चला। सारे सबूत और गवाहों के बयानात से यह अदालत शेरवीर को बंडिया और कदम के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और इंस्पेक्टर विश्वजीत राणा को बाइज्जत बरी करती है।
केडी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। लेकिन इंस्पेक्टर राणा, मैंने तुम्हें सिर्फ इस केस से बचाया है, लेकिन तुम्हारा असली दुश्मन अभी भी खुला घूम रहा है। कौन सर? कौन? इनका गुस्सा। मैं शेरवीर को तो कैद करवा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे गुस्से को सिर्फ तुम कैद कर सकते हो, उस पर काबू पाकर। Are you right, sir? I think I'm on your left. Right? Right. Right. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.